दाल खाऊंगा, मैं छोले खाऊंगा नहीं, मुझे मजे खाना नहीं, बासी खाना। अरे देखो कलयुग का बंदर, बिल्कुल बुड्ढे हो, गोले खाकर जीते हो। ये जब भी घर पे आती है ना, ये हमारा सेहत का नुकसान ये करती है। तो मैं जिम से आया हूँ अभी जस्ट, और ये मार्केट से आई, ये दोनों मार्केट से आए। वैसे मैं बता दूँ, मेरी मम्मी आ गई है, तो मुझे पता ही नहीं मेरी मम्मी आ गई है, मुझे पता ही नहीं है ये आ गई है। तो चाबी लेके जाऊंगा, मुझे पता नहीं दोस्तों, मैं जिम चला गया, मुझे पता ही नहीं। तो मम्मी आ गई, मुझे पता चला कि मम्मी आ गई है। तो दोस्तों फिर से आपका स्वागत हो गया आज के ब्लॉग में। और मेरे को लेने गई, फिर घर आया हूँ, फिर कह रही आलू लेने चल, क्योंकि ये इतना काम करता है ना ये घर पे, इसके लिए आलू लाने हैं। तू आलू के खेत में काम क्यों नहीं करता? तू वहाँ कैसे खाएगा जो गाँव जाएगा? हैं, तेरे को तो वहाँ छोड़ के आ जाएंगे हम, तेरे को तो बकरी चलानी है वहाँ। क्या आपको दाल, दाल खाऊंगा, मैं छोले खाऊंगा नहीं, मुझे मजे खाना नहीं, बासी खाना। मैं मेहनत कर रहा हूँ, आलू लेकर आया हूँ मैं। ये क्या है, तेज तेज सड़ा? हाँ तो आज देखो मेरे लिए खड़ा हुआ रखा हुआ, ये दोस्तों मेरे लिए रखा हुआ है। बेटे को पनीर देती हूँ, बेटे को पनीर देती हूँ, और पनीर खराब है, ये कह रही तुम खा लो। अरे टुकड़े क्यों रखे हुए खा खा के, इसी के अंदर है? चक चक के दिए तेरे को, देखे सीटी के झूठे सारे। मैं शबरी हूँ मम्मी। ओ, ओ, राम है। ये देखो सबरी, रामचंद्र जी ने खाए सबरी के बेराज। ये देखो सबरी, ये आज की, ये कलयुग की सबरी देखो। कलयुग का राम देखो, कह रहे कलयुग का राम देखो कितना सुंदर है ना। अरे देखो कलयुग का बंदर, लेडी लेडी बंदर, तीन बंदर आए थे ना मार। तीन बंदर आए थे, इतने मोटे मोटे गमले के पास बैठे हुए थे, वो तो अच्छा हो, बिल्ली को हमने पानी वो मार देते हो। वो कह रहे होंगे हेलो, किधर है हमारा बंदा? ये अंदर से करी। फिर हमारे पड़ोसी इतना बड़ा डंडा लेके आए, फिर उन्होंने भगाया, पता है एक तो छत में भागा, दो नीचे। गुस्सा नहीं हुई? गुस्सा नहीं, गुस्सा जाके बैठ गया। हाँ कह रहा मुझे ठंडी हवा खानी है, चलो बाय। मौसी चली गई है। अब तू खाना क्या बना रही है भाई? अच्छा दाल राइस आज हमें, मेरे को फ्रेश मिलेगा कि मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं खाना राजमा छोले राइस नहीं खाना। सुबह वो लेके गया था ना मैं ऑफिस। तो गाइस उठ गए हम लोग, नेक्स्ट मॉर्निंग संडे है, ड्यूटी करते संडे को, उसको छोड़ने जाना। अभी बिना नाश्ता करे मेरे को लेके जा रही है। अरे यार मैं तो परेशान हूँ, अभी आज बहुत सारे काम हैं। अभी एक हमारा जो ठेकेदार है, जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो बनाता है घर वगैरह, उसको लेके जाना है भाई के यहाँ पर, वो आएगा। फिर उसके बाद शायद कहीं पर आ जाना, हमारे यहाँ किसी ने इन्विटेशन दे रखा है उसका, डांडिया वगैरह वगैरह, फैशन शो वगैरह, देखते हैं वहाँ जाना है नहीं जाना। अब चल तेरे कपड़े भाई, इसी के कपड़े हैं सारे, इनके तो निकल गए प्रेस करने के लिए। मेरे क्या निकल गए, मैं तो ऑफिस जाता हूँ। मैंने कुछ कहा तेरे को? तू कहाँ जाती है? दोस्तों छोड़ के आते हैं, छोड़ के आके नहा धो लिया है, पूजा कर लिया है, आज अमावस्या है, हमने वो भी खाना निकाल दिया है चिड़ियाओं के लिए, और सारे पितर हमने अपने खुश कर दिए, आज विदा कर दिए। अब मैं अपने नाश्ता करूँगा, मैं ब्रेड खाऊंगा, मम्मी खाएगी रोटी। रोटी मतलब वो बना रखी है साथ में, वही आलू को थीच के वो बनाइए, और मैं अपना ब्रेड बटर और चाय, और साथ में खीर भी बना रखी है, क्योंकि आज अमावस्या है तो खीर भी बनाई थी। हो गया गाइस हमारा नाश्ता रेडी, चलो गाइस अपन करते हैं अपना नाश्ता। कौन ये जा रहा है? वो भी जा रहा है, दोनों जा रहे हैं। ये पहलवान आ गया है, और अब ये जा रहे दोनों, तो सारे और ये दोनों, तुम खुद आज वहीं हो? मैं तो वहीं हूँ। ये भी वहीं? अच्छा मैं वेट कर रहा हूँ, वो हमारे ठेकेदार का अभी तक नहीं आया, अब पता नहीं आएगा। मैं तो इट में जाना है, फिर वापस भी आना है, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। तो गाइस भाई के यहाँ आ गया हूँ लेके ठेकेदार को, अब चलते ऊपर फटाफट। अरे क्या कर रहे हैं? मैं रॉक के पीछे आया, आप जाओ। अच्छा सन अच्छा, मैं चल अंदर। गाइस फोन आ गया अभी ऑर्गेनाइजर का, जो भी फैशन शो वगैरह डांडिया वगैरह था, प्रोग्राम कैंसिल 2 अक्टूबर को के लिए पोस्टपोन कर दिया। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, अब हम नहीं आएंगे, क्योंकि 2 तारीख को हम उत्तराखंड में होंगे, इसलिए तो अब घर जाएंगे यहाँ से, और हम दूसरा शूट करेंगे दूसरे चैनल के लिए।
क्योंकि वो तो घर आ ही जाएगी, उसने हाफ डे ले लिया फ्रेंड ने। चल ठीक है, ओके चलो तो गाइस चलते हैं घर। चार गोलियां खाई मैंने, ये बुढ़िया भी खा रही है, मुझे कह रही है अब तुम बिल्कुल बुढ़े हो, गोली खा कर जीते हो। ये बुढ़िया भी खा रही है, देखो ये डायन जैसी बुढ़िया, देखो तू छह खा रही है, तू बड़ी बुढ़िया है। ठीक है, ये आ गया हमारा खाना, मम्मी लगी पड़ी है गप गप खाने में, गोली खा ली, अब खाना खाते हैं। लोग पहले खाना खाते हैं फिर गोली खाते हैं, हम पहले खाना गोली खाते हैं फिर खाना खाते हैं। भाई आज देखो मुझे खीरा ही मिला है, पर कितना सारा है, क्योंकि मम्मी आई है, मुझे दिखाना पड़ता है। क्योंकि ना नहीं, तूने कहा दिया है, मम्मी ने काटा है ये। तीनों आपको दिखाता हूँ ना कितना सा होता है, दो चार उसमें दाल रखे होते हैं पीस, एक एक टमाटर का टुकड़ा, कितनी ले तो तुम खुद क्यों नहीं काट लेते अपने लिए सारे। आज देख कितना भरा हुआ है, ये होता है माँ का डर। हाँ ये आती है हमारे घर में सिर्फ यही, इसी की वजह से गोलगप्पे आते हैं, सेहत का नुकसान कर रहा है हमारा ये, जब भी घर पे आती है ना ये हमारा सेहत का नुकसान है ये करती है। पापड़ी वो देख, मना किया है मेरी माँ को तो फिर भी खा रही है। खाओ ना, हाँ पापड़ी कम खाना, देखो गिरेगा उस पे सोफे पे, हमारा नुकसान करवाई है। वो तो वैसी बैठी हुई है, इसका वो करवाओ क्या क्या कहते हैं ड्राई क्लीन कराने के लिए। कल मम्मी चली गई है घर, मतलब भाई के यहाँ, तो सर भी चला गया है, मुस्कान भी चली गई है, मैं अकेला बोल रहा हूँ, लाइट भी चली गई है, कोई साथ नहीं आज मेरे, सब चले गए। तो आज अभी लाइट का वेट कर रहा था, तो क्योंकि लाइट नहीं है तो नेट भी नहीं होगा, नेट नहीं है तो मैं टीवी भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे सारे अमेज़ॉन वगैरह वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह सब उसी से चलते हैं। तो बोर हो रहे हैं घर में, तो अभी मैंने बालों में तेल की चंपी करी है, और अभी बस मुस्कान का भी आधे घंटे बाद मेरे को लेने जाना है, क्योंकि वहाँ से फिर वो जाएगी पहले लेने के लिए, अपने सूट वगैरह डालना है उसको, और मम्मी का डालना है सूट, फिर वहाँ से चावल लेके आने हैं, फिर पता नहीं क्या क्या करेगी। भाई साहब अब बहुत बिजी हूँ, ये पति बहुत बिजी है। तो गाइस बहुत खुशखबरी है कि मुस्कान को लेने मुझे नहीं जाना, फ़ोन आ गया उसका कि मैं को आने की ज़रूरत नहीं आपको, मैं अपने आप आ जाऊँगी, मेरे को बहुत सारी चीज़ें लेनी है, कल नवरात्रि स्टार्ट है, मुझे सामान लेना है, ये लेना वो लेना है। मैंने कहा तेरी जैसी बीबी सबको मिले, मैं बहुत लकी हूँ, और तू भी खुश हो जाता, मैंने ऐसे बोल दिया तेरे को, वो भी खुश हो गया, वो अपना भाई, मैं अपनी एडिटिंग करता हूँ।